आपको पता है कि समझो हमारे पास फोन है, ओके। ये फोन का एग्जाम्पल मैं बहुत बार देती हूँ, बट यार यही चीजें हैं जो हमसे डेली बेसिस पे कनेक्टेड रहती है, राइट। फोन से बड़ा कनेक्शन क्या ही होगा आजकल किसी की लाइफ में। तो समझो हमारे पास फोन है, ओके। एंड उसमें वो फोन तो बहुत अच्छा है, बहुत महंगा है, बट हमने उसको चार्ज ही नहीं किया है। क्या हम ये फोन चला पाएंगे? नहीं ना। और चलेगा भी तो कितनी देर चल जाएगा पुराने चार्ज से? कितनी ही देर। हमें कंटिन्यूअस बेसिस पे चार्ज तो करना ही पड़ेगा। अगर पुराना चार्ज कुछ उसमें बचा हुआ भी है तो भी कितनी देर चल जाएगा? तो ये कंटिन्यूअस बेसिस पे चार्ज हमको करना ही पड़ेगा, करेक्ट। उसी तरह हमको हमारे माइंड को भी कंटिन्यूअस बेसिस पे रिचार्ज करना पड़ता है, और ये रिचार्ज होता है ब्रीदिंग सिस्टम से। आजकल की लाइफ में ना हम सब बहुत फटाफट ब्रीथ करते हैं। आप किसी दिन अपना सिस्टम चेक करके देखना, लाइक कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हो, कितनी बार आप ब्रीथ कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा बहुत ज़्यादा बार कर रहे हो, जबकि इतना नहीं करना चाहिए। हमारी ब्रीदिंग जितनी स्मॉल होगी, जितनी जितनी लंबी होगी, जितना लंबा और कम सांस लेंगे ना हम, उतना ही ज़्यादा हमारा हमारे पावर्स ब्रेन से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड बढ़ते जाएंगे, हेल्थ वाइज भी और मेंटली भी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है ना कि हम फोकस करें अपनी ब्रीदिंग सिस्टम पे। डेली रात को एटलीस्ट 5 टाइम्स आँख बंद करके इनहेल और एक्सहेल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये करते हैं ना तो हमारी मैनिफेस्टेशन पावर्स भी बढ़ती है। हम बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड में बैठाने लग जाते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी छोटी 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 चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है ना कि यार कोई बड़ी चीज़ भी हमारे पास आ जाती है फटाक से, और हम सोचते हैं यार इतनी जल्दी कैसे मैनिफेस्ट हो गया। तो यही होता है, बट ब्रीदिंग सिस्टम पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है यारो। एंड जब हम अपनी ब्रीदिंग सिस्टम पे फोकस करते हैं ना, तो कंटिन्यूअस बेसिस पे जो नेगेटिविटी हमारे माइंड में आती है ना, हमारी गोल से रिलेटेड और बाहरी सिचुएशन से, बाहरी इमोशनल इफेक्ट जो हमारे माइंड में नेगेटिव आता है, हमको उससे भी रिलीफ मिलता है। हमको नई पावर, नई एनर्जी मिलती है कि हम उन चीज़ों को पीछे छोड़ के ना अपनी प्रोग्रेस पे फोकस कर सके। सो प्लीज़ डेली रात को सोने से पहले डीप ब्रीदिंग ज़रूर करना, मेरी बात मानो तो मज़ेदार हो जाएगी लाइफ। सिर्फ 21 डेज करके देखना, नई चेंजेस आए ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लव यू ऑल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कि लाइफ बेहतरीन है यार, और हमको उसको और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल। कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना, तभी मैं अच्छी अच्छी और अच्छी वीडियोज़ बना के लेके आ पाऊँगी, करेक्ट।